नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल पर एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रयागराज में बनने वाले रिंग रोड के लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसमें रिंग रोड के पहले फेज के लिए किसानों से जमीन अधिग्रहण करने का काम अप्रैल 2022 से शुरू होगा और रिंग रोड का निर्माण कार्य जुलाई में शुरू होगा। तो चलिए दोस्तों, प्रयागराज रिंग रोड के इस लेटेस्ट अपडेट के बारे में विस्तार से जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्रयागराज शहर के लोगों के लिए अच्छी खबर है, संगम नगरी प्रयागराज को रिंग रोड की सौगात मिलने वाली है। रिंग रोड के बनने के बाद शहर के लोगों को जाम की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। रिंग रोड के पहले फेज के लिए किसानों से जमीन अधिग्रहण करने का काम अप्रैल 2022 से शुरू होगा और रिंग रोड का निर्माण कार्य जुलाई 2022 में शुरू होगा। रिंग रोड का पहला फेज रीवा रोड के पालपुर से मिर्जापुर मार्ग से 600 बाईपास तक 29 किलोमीटर में तैयार किया जाएगा। पहले फेज में बनाए जाने वाले रिंग रोड की लागत 2,990 करोड़ रुपये होगी। रिंग रोड के पहले फेज के लिए भूमि अधिग्रहण का काम 3 माह में पूरा किया जाएगा। रिंग रोड के पहले चरण का काम 2025 में लगने वाले महाकुंभ से पहले पूरा किया जाना है। रिंग रोड बनने से शहर में जाम की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। पहले चरण में रिंग रोड बनाने के लिए 4500 किसानों की 221 हेक्टेयर यानी 884 बीघा जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों से दस्तावेज मांगे जा चुके हैं। पहले चरण में प्रयागराज की 2 तहसील करछना और फूलपुर में कुल 45 गाँव के किसानों से भूमि का अधिग्रहण होगा। पहले चरण में तैयार होने वाली रिंग रोड का काम अक्टूबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रीवा रोड की ओर से बड़ी संख्या में प्रतिदिन वाहन वाराणसी की ओर जाने के लिए शहर में आते हैं। इससे नए यमुना पुल से लेकर शास्त्री पुल तक जाम लग जाता है। रिंग रोड के बनने से ऐसे वाहनों को सीधे शहर के बाहर से निकाल दिया जाएगा। ऐसे लोग जो मध्य प्रदेश से वाराणसी जाना चाहते हैं, वे भी शहर के बाहर से ही निकल जाएंगे। रिंग रोड बनाने का पूरा प्रोजेक्ट 7,261 करोड़ रुपये का है। पहले फेज में रिंग रोड निर्माण की लागत 2,990 करोड़ रुपये और दूसरे फेज में लगभग 35 किलोमीटर की दूरी में काम होना है, जिसकी लागत 4,271 करोड़ रुपये है। रिंग रोड का दूसरा चरण रीवा रोड से कौड़ीहार के बीच तैयार होगा। NHAI के प्रयागराज इकाई की परियोजना निदेशक AK राय ने बताया कि रिंग रोड के पहले फेज का काम शुरू करने के लिए जल्द ही किसानों से भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष में काम शुरू हो जाएगा। पहले फेज का काम शुरू होने के बाद दूसरे फेज के लिए तैयारी शुरू की जाएगी। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही अन्य रिंग रोड प्रोजेक्ट, एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट और अन्य परियोजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।